जबलपुर के कमिश्नर कार्यालय में आज मेहरा समाज के विभिन्न संगठनों ने कमिश्नर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कमिश्नर से आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। जहां संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि जबलपुर के संभाग के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जिस प्रकार से विगत 10 दिनों के अंदर महिलाओं और नाबालिग किशोरियों पर प्राण घातक हमला किया गया, जिस पर आरोपियों ने मंडला में युवती उसके परिवार के साथ मारपीट की, जिसमें एक 22 वर्षीय युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसको इलाज के लिए जबलपुर के मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। इसी तरह की घटनाएं जबलपुर शहर के अन्य क्षेत्रों में भी हुई हैं, जहां पर पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध मामूली धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं कुछ आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार भी नहीं कर पाई है। मामले को लेकर मेहरा समाज के संगठनों द्वारा संभागीय कमिश्नर को ज्ञापन दिया गया और मामले में कठोर कार्रवाई कर पीड़ितों को उचित न्याय दिलाते हुए पीड़ितों को 50 लाख का मुआवजा दिलाने की मांग की गई। मेहरा समाज के अंतर्गत विभिन्न जो अनुसांगिक संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, लगातार समाज के लोगों पर हो रहे हमले, जो अलग अलग वर्ग के लोग हमले कर रहे हैं, उसके खिलाफ समाज में व्यापक आक्रोश है। और इस जन आक्रोश के लिए आज यहाँ आप देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये सभी संगठनों के प्रतिनिधि हैं। जैसा कि मंडला के मोहगांव थाना अंतर्गत सिंगारपुर गांव में पीड़िता के साथ आरोपियों के द्वारा जो है रात में उनके घर में घुस करके बर्बरतापूर्वक मारपीट की गई है, जानलेवा हमला किया गया है, छेड़खानी की गई है, पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की गई है और उसके कपड़े फाड़े गए हैं, बेरहमी से मारपीट की गई है। उसमें से एक बच्ची जो 22 साल की है, उसकी रीढ़ की हड्डी में 2 फ्रैक्चर हैं, वो वर्तमान में मेडिकल हॉस्पिटल में इलाजरत है, भर्ती है। इसके बावजूद प्रशासन के दबाव में वहाँ पर पुलिस ने जो FIR दर्ज की है, उसमें अभी तक 307 यानी जान से मारने के प्रयास की धारा नहीं लगाई गई है, 354 यानी लड़की से छेड़छाड़ की धारा नहीं लगाई गई है। जो 8 आरोपी उसमें लिखे हैं FIR में, उसमें से 5 अभी तक गिरफ्तार हैं, 3 अभी तक फरार हैं, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की गई है। घटना के टाइम पे 12 लोग थे, जो कि पीड़िता के आवेदन में स्पष्ट लिखा हुआ है, लेकिन FIR में केवल 8 लोगों का जिक्र है, 6 धन 2 अन्य। तो इस तरीके से जो उन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, इसके खिलाफ अभी तक आरोपियों पीड़ितों के बयान हॉस्पिटल में आकर के नहीं लिए गए हैं, फ्रैक्चर उसमें शामिल नहीं किया गया है रिपोर्ट में। ठीक इसी तरीके से बरगी के पड़राहा में एक डहरिया समाज के लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। दुर्भाग्य की बात है कि एक भी आरोपी अभी तक उसमें गिरफ्तार नहीं हुआ है। इसी तरीके से बेलखेड़ा के मातनपुर में एक नाबालिग बच्ची जो उम्र 15 साल की है, उसके साथ छेड़खानी की गई है, उसके भाई के साथ मारपीट की गई है, उसमें एक आरोपी गिरफ्तार है, एक आरोपी फरार है। इस तरीके से लगातार ये जो मैं 3 घटनाएं आपको बता रहा हूं, ये पिछले 10 दिन की घटनाएं हैं, 16 तारीख से लेकर के अभी तक की घटनाएं हैं। लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन शासन प्रशासन जो है कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ है। हमें माननीय कमिश्नर साहब के पास आज इस उम्मीद से आए हैं कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चले, एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज हो और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले, पीड़ितों को अच्छा इलाज मिले और पीड़ितों को न्याय मिले, मुआवजा मिले। प्रकाश चंदेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेहरा समाज महासंघ, युवा प्रकोष्ठ।